नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री ने लाइव टीवी के माध्यम से डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज एमएसएमई के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के पहले चरण में 3,00,000 करोड़ रुपए की धनराशि का कोलेट्रल ऋण और फ्री ऋण के निर्धारित किए जाने के बाद में आशा है कि इससे हरियाणा की लगभग 50,000 एमएसएमई यूनिटों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का लाभ मिल पाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने तनाव ग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ के लोन की भी घोषणा की है। इससे हरियाणा की 3,000 एमएसएमई यूनिटों को फायदा होगा। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। मित्रों नमस्कार, आज आप लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और कुछ चर्चा करने के लिए बुलाया है। जैसा अपने को पता है कि कोरोना के इस पीरियड में लगातार जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है उसमें प्रत्यक्ष मिलना जुलना तो थोड़ा कठिन है, लेकिन इस माध्यम से हम कुछ लोगों से आज बातचीत ज़रूर कर पाएंगे। जोड़े तो लाइन के साथ हमने काफ़ी लोग हैं, लेकिन चर्चा के लिए शायद सबसे बातचीत ना हो पाए। जिन लोगों से बातचीत हो पाएगी समय के हिसाब से उतना हम पूरा करेंगे। प्रारंभ में मैं आपके सामने इतना ही विषय रखता हूं कि इस कोरोना महामारी में हरियाणा की जो स्थिति है ये पिछले महीने के अंत तक यानी अप्रैल अंत तक काफ़ी ठीक थी 30 अप्रैल तक, लेकिन पहला सप्ताह मई का ये मरले को बहुत अच्छा नहीं गया। बहुत बड़ी संख्या में एकदम दिल्ली के साथ लगते 4 जिलों में सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, इनकी संख्या एकदम बढ़ गई। जहां हम रिकवरी रेट में केरल के बाद दूसरे स्थान पर थे, एकदम बहुत नीचे हमारा रिकवरी रेट हो गया क्योंकि इधर संख्या बढ़ गई। रिकवरी कम हो रही थी, संख्या काफ़ी बढ़ रही थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से उस गति से तो नहीं, फिर भी कल हमारे 50 केस एकदम बढ़ गए जो थोड़ा चिंताजनक थे। कल तक की जो हमारी संख्या है 780 लोग कुल डिटेक्ट हुए, जिसमें 14 इटालियन लोग भी थे और उसके अंदर से 382 ये डिस्चार्ज हो गए हैं। 427 कल सायंकाल तक ये आंकड़ा के हमारे जो पॉजिटिव केस अंडर ट्रीटमेंट ये चल रहे हैं, 11 लोगों की मृत्यु हुई, तो ये हमारा मोटा आंकड़ा है। देखा जाए तो अभी भी आसपास के जो प्रांत हैं, चाहे दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इन सब प्रांतों से तो अभी भी हम एक ठीक स्थिति में हैं, लेकिन और स्थिति अच्छी रहे इसके लिए बराबर हमारे प्रयत्न चल रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए बहुत से जो प्रावधान किए वो सब अपने को मालूम है, आज उसके दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज तो अब ये जो लॉकडाउन 3 खत्म होगा और लॉकडाउन 4 की जैसी संभावना है, उस संभावना को देखते हुए कुछ ढिलाई, कुछ कंसेशंस ये दे करके और गतिविधियां शुरू करने की बात है। 15 तारीख तक सब प्रांतों को, सब मुख्यमंत्रियों को ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट बना करके भेजें, ताकि 16 और 17 में कुछ निर्णय लेकर के 18 तारीख से किस प्रकार की स्थिति रहेगी वो सब जानकारी हमको मिलेंगी। केंद्र के निर्देश मिलते हैं एमएचए के, उन निर्देशों के हिसाब से हमको अपने प्रदेश में और थोड़ा अदल बदल करना हो तो करके उसको हम फाइनल लागू करते हैं। इस समय सामान्य परिस्थितियां बन रही हैं, उद्योग में एक गतिविधि बढ़ी है और हमारे उद्योग प्रायः जितने भी कर्मचारी, जितने उन्होंने पास लेने थे, जितने वर्कर्स थे, वो सब हमने 3-4 क्षेत्रों को जो कंटेनमेंट एरिया है उसको छोड़ करके बाकी सब क्षेत्रों के अंदर हमने परमिशन दी है, चाहे वो उद्योग में लगे हुए, चाहे हमारी जो संस्थाएं हैं या बाजार हैं। जिन लोगों ने परमिशन ली है हमसे, 25,00,000 लोगों को परमिशन दी जा चुकी है पास लेकर के अपने काम को चालू करें, इसलिए सामान्य गतिविधियां चालू हुई हैं। और इसमें जो एक बड़ा विषय कोरोना का इलाज लोगों का, हेल्थ डिपार्टमेंट ये तो सब है ही है, लेकिन उसके साथ जो बड़ा कठिनाई का विषय था कि लेबर ने प्लान करना शुरू किया और उस प्लान करने वालों की व्यवस्था करना, ये भी हमारे लिए ज़रूरी था।
हमने अभी तक तो 28 ट्रेन और 2000 बसें, ये लगभग 1,00,000 से ऊपर लोग ये भेजे जा चुके हैं व्यवस्था के माध्यम से। अपने आप जो लोग गए हैं उनकी संख्या इससे अतिरिक्त है, लेकिन फिर भी अभी कुछ संख्या ऐसी है कि जो जाने के लिए अभी भी लालायत है, उसके लिए लगातार ट्रेन्स की बसों की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लेकिन ये सब सामने जिस स्टेट में लोग जाने होते हैं उनकी सहमति के साथ भेजना पड़ता है, उसके बिना भेज नहीं सकते हैं। ये वन साइडेड नहीं होता, बल्कि म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग जब कर लेते हैं तब उनको भेजा जाता है, तो उस काम में हम लगे हैं। इस सारे कार्यक्रम में एक विषय प्रधानमंत्री जी ने कल जो देश को संबोधित किया और देश की जनता को संबोधित करने में उन्होंने एक विश्वास प्रकट किया, और हम सबका भी विश्वास उनमें है ही है कि हम अपनी इन परिस्थितियों को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, इस कोरोना की लड़ाई में मुकाबला करके कैसे इसको पार पा सकते हैं। कल उन्होंने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, 20,00,000 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज। इसमें से लगभग 2 लाख करोड़ का पैकेज तो पहले से ही जो उन्होंने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बताया था उसको जोड़ करके ये सब 20,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज बनने वाला है। उसी क्रम में आज हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत सी घोषणाएं की हैं, आप सब लोगों ने उसको सुना ही होगा। उसमें मुख्य रूप से आज जो जिन बातों पर फोकस था वो था जो छोटा उद्योग है हमारा, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, MSMEs, ये जो उद्योग है इस उद्योग में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या वर्कर्स की, मजदूरों की इसमें लगती है और बहुत जनता इसके ऊपर उनकी आजीविका निर्भर है, तो इसको बड़ा पैकेज दे करके और उन्होंने जो योजनाएं बताई हमको, जैसा उन्होंने सीधा सीधा 3,00,000 करोड़ रुपए का तो कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स, ये जो उन्होंने MSME के लिए घोषणा किया है, और इसमें भी अगले 12 महीने तक उन लोन्स का मॉरिटोरियम रहेगा, कोई उनको रिफंड नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद 4 साल तक का ये लोन होगा, इसके बाद ही उनको अपनी वापसी लोन की ये करनी होगी। मैं समझता हूँ MSME को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा ये पग है जो उठाया गया है। इसी में कुछ MSME को स्ट्रेस्ड कैटेगरी में रखा गया है कि बहुत दबाव में आकर के उनके सारे सिस्टम, बहुत छोटा जिनका सिस्टम होता है वो अपनी सारी पूंजी को भी शायद खर्च चुके होंगे या कोई ना कोई दबाव में होंगे, तो उनके लिए अलग से कोई एक कैटेगरी बना करके 20,000 करोड़ रुपया उनके लिए अलग से रखा गया है, जिसमें 2,00,000 MSMEs इसको इनको सबको लाभ मिलेगा। साथ ही जो ऐसी MSMEs हैं जिनका पोटेंशियल ग्रोथ का बहुत अधिक है और वायबल हैं, जिनको गति से आगे बढ़ाया जा सकता है, उनका स्पेशल पैकेज एक 50,000 करोड़ रुपए का ये अलग से भी एक जारी किया गया है। तो मुझे लगता है कि कई प्रकार की जो कैटेगरीज बनाई हैं वो सब जानकारी आपको है ही है। एक बड़ा जो महत्व का विषय है कि MSMEs का जो कैटेगरीज हैं उनका जो चेंज किया गया है, उनका प्रकार चेंज किया गया, उनका साइज जो बदला गया है, माइक्रो की 25,00,000 रुपए से कम की जो इन्वेस्टमेंट है अब उसको 1 करोड़ कर दिया गया है, और इसी प्रकार से स्मॉल पहले 5 करोड़ रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट थी अब वो 10 करोड़ कर दिया, मीडियम 10 करोड़ से कम थी उसको 20 करोड़ रुपया कर दिया है। इसी प्रकार इनकी जो सेवाएं हैं उसका भी कितना इतना टर्नओवर है उस टर्नओवर को भी बदला गया है, अर्थात पहले जो इनके साइज थे, जो लिमिट्स थी, उस लिमिट्स को बढ़ा करके डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। एक इससे और महत्वपूर्ण बात जो की गई है कि 200 करोड़ रुपए तक की जितने भी टेंडर्स हैं वो सब अब ग्लोबल टेंडर ना होकर के केवल नेशनल टेंडर ही होंगे, ताकि 200 करोड़ रुपए तक के सामान को हम अपने देश की ही कंपनियों से खरीदें, इसमें ग्लोबल टेंडर्स को एक प्रकार से प्रोहिबिट किया गया है। इसके अंदर जैसे कल उन्होंने कहा था लोकल और वोकल, अर्थात मेक इन इंडिया, इसके ऊपर जोर देने का एक बहुत बड़ा एक ये प्रावधान किया गया है। इसी में से हमें लगता है कि अपना भारत ये आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भरता अगर हो जाती है हमारी तो हम विश्व की एक शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं। ये एक बहुत एक बड़ा इसमें काम किया गया है। MSMEs के जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में भी उसको ई मार्केट लिंकेज, ये विषय भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर मजदूरों के लिए EPF की योजनाएँ भी बताई हैं कि वो EPF 10% 12% की बजाय 10%
और कुछ लोगों के लिए तो अभी 3 महीने के लिए एग्जेम्प्ट भी किया है कि 3 महीने के लिए एग्जेम्प्ट करके और ईपीएफ को उनको नहीं भरना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों की भी योजनाएं हैं, एनबीएफसी अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनका भी हालांकि प्रदेश से सरकार का इसमें कोई बहुत बड़ा महत्व योगदान नहीं है, ना उसमें कोई गतिविधि है, ये केंद्रीय स्तर के ऊपर ही सब होने वाली हैं। डिस्कॉम्स हमारी बिजली कंपनियां, जो कि जितना भी एंटरप्रेन्योरशिप है वो सब बंद होने के कारण से एक बहुत बड़ा लोड डिस्कॉम्स के ऊपर पड़ रहा था। हमने उसमें छूट भी दी है कुछ एमएसएमईज को कि जो फिक्स चार्जेस हैं 25% हमने उसके माफ़ किए हैं, और बिल्स भी अब लगभग 3 महीने के बिलों की पेमेंट हो नहीं रही है। एक अच्छा कदम है केंद्र सरकार की ओर से कि उनको उनकी व्यवस्था को ठीक बनाए रखा जाए। तो 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी ये डिस्कॉम्स की बनेगी, ताकि डिस्कॉम्स भी अपना काम ठीक से गति से चलाते रहें, ये एक विषय। कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीफ दिया गया है, ये हम पहले भी हरियाणा में कर चुके हैं कि 3 महीने के लिए उनका जो टाइम पीरियड है उसको हमने 0 पीरियड कर दिया था, कि जिस भी किसी की टाइम लिमिट इस कोरोना पीरियड में आ रही है तो उसको जीरो टाइम मान करके, जीरो टाइम लिमिट, उतने ही दिन जितने दिन कोरोना में उनका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होगा उसको उतने दिन के लिए कोरोना के बाद ये बढ़ा दिया जाएगा, ताकि उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। रियल एस्टेट के लिए भी कुछ रेरा में रजिस्ट्रेशन की छूट दी गई है, TDS TCS रेट इनमें रिडक्शन की गई है, डायरेक्ट टैक्स मेजर्स और जो हमारी रिटर्न्स भरने की तिथियां हैं वो भी बढ़ाई गई हैं, ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो कि उसको टाइमली रिटर्न अपनी भरने में जो कठिनाई है उसमें भी कहीं 2 महीने कहीं 3 महीने का ये एक डेट को एक्सटेंड किया गया है। और मैं समझता हूँ आज तो केवल पहला दिन था इस 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में घोषणा का, अभी 2 दिन लगातार और होना है। इसमें काफ़ी ऐसे सेक्टर्स, कैसे कैटेगरीज बच गई हैं जिन कैटेगरीज के लिए कल में और परसों में कुछ और घोषणाएं होंगी, वो भी अपने सामने आएंगी। मित्रों 5.5 लाख करोड़ रुपए का आज तक हुआ है, टोटल 20 लाख होना है, ठीक हमारे वित्त सचिव जी बता रहे हैं। तो इस नाते से हम लोगों ने बहुत से ऐसे प्रदेशों के साथ जब अपने प्रदेश की तुलना की, बहुत से वीडियो भी देख रहे हैं कि बाहर जा करके जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके मजदूर गए हैं, वर्कर गए हैं, तो उन लोगों ने वहाँ जा करके हरियाणा का जो बखान किया है वो काफ़ी सुखद है कि हम बहुत सी व्यवस्थाएं अपने यहाँ गरीब लोगों को, मजदूरों को जो आर्थिक सहायता देनी थी, जो उनको भोजन के लिए पैकेट, राशन पैकेट ये सब देने थे, ठीक प्रकार से हम चिन्हित कर पाए। यहाँ एक उल्लेख करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपने उसमें भाषण में कहा कि हमको अपने रिफॉर्म्स कुछ करने होंगे। आज समय के हिसाब से जैसा अभी कितना लंबा चलता है, हमको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आज टेक्नोलॉजी का सहारा ये बहुत ज़रूरी हो गया है। हम जैसे हम मानो आज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के सहारे के कारण से ही कर रहे हैं। इसी प्रकार समाज में भी सब व्यवस्थाएँ टेक्नोलॉजी के कारण से हमको ठीक करनी पड़ेंगी। हालांकि हमारा विश्वास तो पिछले 5 साल में भी लगातार ये बना रहा कि हम जितनी टेक्नोलॉजी से व्यवस्थाएं बना लेंगे उतना भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, पारदर्शिता आएगी और उतना ही एक समान रूप से हर किसी को व्यवहार मिलेगा, भेदभाव नहीं होगा। चाहे हमारी भर्तियां थी, चाहे हमारे ट्रांसफर्स थे, चाहे और प्रकार के नीचे तक की सारी बातें, अभी इस 6 महीने हो गए अब तो, इस 6 महीने में 2 महीने का कोरोना का पीरियड इसमें आ गया, हमने टेक्नोलॉजी का बहुत सारा लिया। हमारी जितनी टेक्नोलॉजी की व्यवस्थाएं थी उसी के अंदर हमने जो प्रोक्योरमेंट है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमारा साल भर से चल रहा था, इसमें भी सुधार करके और इस बार सारी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल के माध्यम से किया गया। हमने नीचे गरीब आदमियों को सहायता पहुंचाने का काम, यानी जितनी एक एक व्यक्ति की पहचान करके लोकल कमेटीज हमने बनाई 20,000, ऐसी लोकल कमेटीज के सर्वे के माध्यम से हमें जानकारी मिलती थी कि इस घर में राशन की आवश्यकता है, इस घर में इसका कार्ड नहीं बना हुआ तो इसको डिस्ट्रेस राशन टोकन देना होगा हमको, या पैसे पहुंचाने होंगे, ये गरीब आदमी है, इसका काम रुक गया है, तो सारी जानकारियां लेकर के, और जो पहले से हमारे पास जानकारियां थी, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, परिवार पहचान पत्र, ये सब बनाकर, और आपकी जानकारी के लिए हमने 16,20,000 लोगों तक इस समय तक 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की राशि पहुँचाई है। इसमें और एक
4-5 लाख लोग हैं जिनका अभी प्रोसेस में चल रहा है, उनको भी ये सारी योजनाएं इसका लाभ पहुंचेगा, अर्थात ये 20 लाख से ऊपर। कोई सामान्य अगर स्थिति होती तो इन सामान्य स्थितियों में हम 20 लाख लोगों तक पहुंच नहीं बना पाते, और बनती भी तो पता नहीं कितना इसमें घोस्ट बेनिफिशियरी होते, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस बार ठीक पात्र व्यक्ति को, जो डिजर्व करता है, उसी को उसकी सहायता पहुंची है, ये हमको पूरा विश्वास है। इसलिए हमने इसके अंदर जो राशि खर्च की है 619 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, और ये 619 करोड़ रुपया इस प्रदेश में सीधा सीधा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना इस 2 महीने में एक बहुत बड़ी बात है। इसको हम आगे भी चालू रखेंगे इन व्यवस्थाओं को, और हमारा परिवार पहचान पत्र का जो प्रोजेक्ट है वो जब पूरा होगा तो इसके बहुत सारे लाभ ये जन